नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूँ कानून की। कोई भी व्यक्ति विवाद नहीं चाहता, यानी कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब आपको लगता है कोर्ट में केस किए बिना आपका काम नहीं होगा। ऐसे में आप वकील साहब के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं वकील साहब आपके मामले में तुरंत कार्रवाई करें, यानी कोर्ट केस करें। कोर्ट केस करने का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, और कोई भी लड़ाई बिना तैयारी के नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और क्या तैयारी करनी है। देखिए, मोटे तौर से कोर्ट केसेस को दो भागों में बांटा जा सकता है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता है कि उनका मामला दीवानी है या फौजदारी है। जिन मामलों में सजा का प्रावधान है, जैसे चोरी, लूट, ठगी, धोखाधड़ी, मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, इन्हें हम फौजदारी कहते हैं। और जिन मामलों में संपत्ति के संबंध में विवाद होता है या आपके हक और अधिकार का विवाद होता है, उन्हें हम दीवानी मामले कहते हैं। जैसे मकान, दुकान, घर, जमीन से संबंधित विवाद, किरायेदारी या बंटवारे से संबंधित विवाद, तलाक या चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मामले दीवानी मामले कहे जाते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि आपका मामला दीवानी है या फौजदारी। अगर आपका मामला फौजदारी है तो आपको फौजदारी के अच्छे और अनुभवी वकील की आवश्यकता है, और अगर दीवानी है तो दीवानी के अच्छे और अनुभवी वकील की आवश्यकता है। लेकिन वकील साहब के पास जाने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले आपके साथ जो घटना हुई है या आपका जो केस है, उस घटनाक्रम को सिलसिलेवार डेट और टाइम के साथ एक कागज पर लिख लीजिए। जैसे अगर आप कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो आपकी शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ, आप अपनी पत्नी से अलग कब से रह रहे हैं और अलग रहने का कारण क्या है, सिलसिलेवार डेट और टाइम के साथ लिख लीजिए। कोई भी बात छुपाइए मत, छोटी से छोटी बात जरूर लिखिए। ये लिखने के बाद आप सब अच्छी तरह जानते हैं कोर्ट में गवाहों और सबूतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए आपको अपने साथ हुई घटना या आपके केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो जिस संपत्ति पर उत्तराधिकार लेना चाहते हैं उस संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज आपको कलेक्ट करने होंगे। जिस व्यक्ति की संपत्ति पर उत्तराधिकार लेना चाहते हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और सर्जरा प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको कोर्ट में पेश करने होते हैं। यूं तो कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बहुत ही महत्व देती है, लेकिन फिर भी ओरल एविडेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको गवाहों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए आपके साथ हुई घटना या आपके केस से रिलेटेड संभावित गवाहों को आपको कलेक्ट करना होगा, उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ या मारपीट हुई, उस दुकान का दुकान मालिक या दुकान पर काम करने वाले नौकर या वहां से निकलने वाले राहगीर आपके संभावित गवाह हो सकते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मामला रिश्तेदारी में है, जैसे पति पत्नी के बीच में है या दो भाइयों के बीच में, तो ये हो सकता है जो आपका संभावित गवाह हो अगेंस्ट पार्टी का निश्चित गवाह हो, या अगेंस्ट पार्टी का संभावित गवाह आपका निश्चित गवाह हो सकता है। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इस फाइल को तैयार करके आप वकील साहब के पास ले जाइए, उनसे मैटर डिस्कस कीजिए। वकील साहब आपसे जो भी सवाल पूछते हैं सोच समझ करके उनका जवाब दीजिए। कुछ भी बात छुपाइए मत, छोटी से छोटी बात भी आप उन्हें बताइए। हो सकता है जो सबूत या जो एविडेंस आपने कलेक्ट किए वकील साहब उसे देख करके कहें कि आपको और भी डॉक्यूमेंट या और भी सबूत पेश करने होंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है वकील साहब आपसे जो भी डॉक्यूमेंट या सबूत मांगते हैं वह उन्हें आप उपलब्ध कराएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में आप अपने वकील साहब से राय ले सकते हैं। वकील लोग बहुत ही पारंगत होते हैं, अगर कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हो सकती तो कैसे जनरेट होगी, ये भी आपको राय दे सकते हैं। इन सब बातों को तय करने के बाद कुछ बातें आप वकील साहब से भी तय कर लीजिए। जैसे आपका केस कौन से कानून की कौन सी धारा में फाइल किया जाएगा, कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाएगा, फाइल करने में कितना समय होगा, उसमें फैसला आने में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितनी कोर्ट फीस होगी, कितनी वकील साहब की फीस होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सारी बातें तय करनी है। यहां एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए, कोर्ट केस चलने के दौरान मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स होती हैं। जैसे आपके वकील साहब ने कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया, वह खारिज हो गया, उसके लिए आपको हायर कोर्ट जाना होता है, या अगेंस्ट पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया, वह एक्सेप्ट हो गया, उसको चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट जाना होता है।
हायर कोर्ट में होने वाले खर्चे और वकील साहब की फीस अलग से होती है। इस बारे में भी आप वकील साहब से स्पष्ट और पहले ही बात कर लें। अगर आप पहले बात नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, मेरा ये मानना है कि किसी भी केस को जीतने के लिए कम से कम 2 गवाह कोर्ट में पेश किए जाने चाहिए। लेकिन कई बार जब गवाह देने का समय आता है या काफी समय बाद जब गवाहों की जरूरत पड़ती है, उस समय आपका संभावित गवाह आपके पक्ष में बयान देने से मना कर देता है या बयान देने की स्थिति में ही नहीं होता है, या जैसे कि वो मर गया या उससे पैरलाइज हो गया। ऐसे में आप क्या करेंगे? इसलिए आप 2 से अधिक गवाहों की पहले से ही तैयारी कर लीजिए। ये सारी बातें तय होने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, निश्चित रूप से आप केस अच्छी तरह जीत सकते हैं अगर आपने ये सारी बातें पहले ही ध्यान में रखी, यानी कि वकील साहब से सारी बातें स्पष्ट पहले ही कर दी, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए, जो सबूत दिए गए, जो गवाह देने थे, वह सब आपने पहले ही वकील साहब के सामने रख दिया, तो आपका केस जीतना निश्चित हो जाता है। आप ये भी तय कर लेंगे कि आपको कितना पैसा, कितना समय और कितना एनर्जी पे करनी होगी। अगर इतना समय, पैसा, एनर्जी पे कर सकते हैं तो कोर्ट केस लड़िए, अन्यथा कोर्ट केस नहीं लड़िए। फिर भी मेरी एक राय है, कोर्ट केस को अंतिम विकल्प मानना चाहिए, प्रथम विकल्प नहीं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।